मॉर्निंग टाइम बोटिंग को एंजॉय करने से लेकर दिन ढलते सीनिक व्यू तक, खाने पीने के मज़े से लेकर कुछ फन एक्टिविटीज़ लाइक जिप लाइन, कैमल राइड तक, यहाँ आपको वो सभी करने को मिलेगा जो कि एक फ़न वीकेंड आउटिंग के लिए ज़रूरी होता है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस जगह से लेकर जाएंगे तो ये आपको निराश भी कर देने वाला है। बट ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेस फॉर अ डे आउटिंग इन दिल्ली NCR। तो आज मैं आपके लिए डमडमा लेक का एक वर्चुअल टूर लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको यहाँ से जुड़ी सभी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देने वाली हूँ। सो गाइज, इट इज़ अ स्मॉल नेचुरल लेक इन गुड़गांव हरियाणा, दैट इज़ अराउंड 68 किलोमीटर्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, जिसके लिए आपको 1.5 hours to 2 hours ड्राइव करके जाना होगा। इट इज़ सिचुएटेड इन अ रूरल एरिया बट रोड्स आर गुड इनफ, तो यहाँ तक जाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर 40 rupees आपको कार एंट्री फीस देनी होगी, जिसके बाद आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। अब कार पार्किंग एरिया के ठीक सामने ही है ये सारस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर इनका रेस्टोरेंट भी है, जिसे मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। बट पहले हम थोड़ा डमडमा लेक को एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसी के साइड से ये रास्ता जाता है जो आपको बोटिंग जोन तक ले जाएगा। यहाँ पर बोटिंग चार्जेस भी मेंशन किए हुए हैं, जो कि है मिनिमम चार्जेस 200 rupees, आफ्टर विच इट इज़ 50 rupees पर पर्सन फॉर 20 minutes ऑफ बोटिंग। इसी के साथ यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज़ लाइक कैमल राइड, गन शूटिंग और बच्चों के लिए थोड़े बहुत झूले भी लगे हुए हैं। वीकेंड्स के दिन यहाँ पर बोटिंग के लिए आपको 15 टू 20 मिनट्स का वेट भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ जाते ही आप अपना बोटिंग टिकट ले लें, जिसके बाद वेटिंग टाइम में थोड़ा बहुत घूम फिर भी सकते हैं। यहाँ पर आप पैडल बोट, टक बोट, जिस भी तरह की बोट में कम्फर्टेबल हैं, आप बोटिंग इंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लेक में पानी ज़्यादा तो नहीं रहता, तो एक लिमिटेड एरिया तक ही आप बोटिंग कर सकते हैं, जिसके लिए इन्होंने फ्लैग साइनेज भी लगाए हुए हैं। फिर भी अगर आप अपनी बोट को उसके पार ले जाते हैं या वो किसी भी कारण से चली जाती है, तो दूसरी बोट तुरंत वहाँ से आपकी बोट को कुछ इस तरह निकालने आ जाएगी। पानी कम होने की वजह से आप ज़्यादा दूर तक बोटिंग तो नहीं कर सकते, बट 20 मिनट्स की बोटिंग में और काफ़ी कुछ है जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि बोटिंग करते टाइम आपको यहाँ पर सीनिक व्यू बिकॉज ऑफ अरावली बैकड्रॉप के साथ काफ़ी सारी बर्ड्स भी देखने को मिलेंगी, एज इट इज़ नाउ होम टू 190 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, बोथ नेटिव एंड माइग्रेटरी। With this guys, the lake authority allow fishing also, that is the major attraction for visitors at the lake. So you can take a tour around the beauty of Damdama Lake to simply relax yourself for a while out of regular chaotic city lives. वैसे यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइम तो मॉनसून सीजन ही बताया जाता है बिकॉज ऑफ गुड वाटर लेवल एट दैट टाइम, बट आप जब चाहें अपना थोड़ा टाइम निकाल कर यहाँ के पीसफुल माहौल को इंजॉय कर सकते हैं। दिस वे इट इज़ ऑफ कोर्स गोइंग टू बी अ प्लेजेंट डे ट्रिप फॉर यू। एंड नाउ गाइस, देयर यू नीड टू पे चार्जेस फॉर योर ऑन ईटेबल्स, फॉर योर ऑन कुकिंग, जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख ही सकते हैं। So Damdama Lake is also good for adventure activities like zip line, commando net, Burma bridge, catwalk, trekking and there are so many others. अब अगर हम fun activities की बात करें तो यहाँ पर ये rain dance भी available है, but मुझे ये कुछ खास नहीं लगा। But yes, for kids there are so many activities available that they surely gonna enjoy a lot. वैसे तो यहाँ पर ये ट्यूबवेल बाथ, मड बाथ एक्टिविटी भी थी, बट इसके भी हालात मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप यहाँ आकर ये सब एक्टिविटीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही प्राइस की, तो अगर आप उन्हें बोलेंगे तो वो बार्गेनिंग में भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, इसलिए आप इन सभी एक्टिविटीज़ को काफ़ी कम रेट में भी कर सकते हैं। सो गाइज, देर इज़ नो डाउट कि बच्चों के साथ जाने के लिए काफ़ी सही पिकनिक स्पॉट है टू स्पेंड द वीकेंड अवे फ्रॉम द सिटी इन अ क्वाइट सीनिक एटमॉस्फेयर विद लॉट्स ऑफ फन एक्टिविटीज टू डू। वैसे यहाँ पर अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स ग्रुप में आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप डमडमा लेक आ रहे हैं तो फुल पिकनिक प्रेपरेशंस के साथ आएं, क्योंकि यहाँ के पार्क्स में आप थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं कुछ खाने पीने के साथ।
अगर आप यहाँ का फूड ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ सारस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में एक रेस्टोरेंट भी है जिसके प्राइस मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगे। सो गाइज, आप इस मेन्यू कार्ड में सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज डिशेज विद प्राइस देख सकते हैं। मुझे इनमें से किसी का भी रेट कुछ ज़्यादा नहीं लगा, सो यू कैन कम हियर एंजॉय योर फूड ऑल्सो। अगर आप यहां आकर फोटोग्राफी या वीडियो शूट कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी चार्जेस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सो गाइज, विद दिस आई एम एंडिंग माई व्लॉग हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कोई बात नहीं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन।